हाँ जी माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पे रह के पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो मेरे दोस्त, आज हमारे डेली वोकैब क्लास की क्लास नंबर 3 है, जो आपको पता है आपके लिए हर कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए भी यूज़फुल है और उसके अलावा आपके डेली लाइफ में भी ये क्लास काम आने वाली है। मेरे भाई, एक बात आपको पहले ही बता देता हूँ, आपको क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है और वर्ड्स को कमेंट में टाइप करना है। इसके अलावा एक बात और कहता हूँ, पता है मैं ये बातें क्यों कह रहा हूँ कि क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है, इसलिए क्योंकि आपके लिए तो महज आधे घंटे 40 मिनट की क्लास होती है। एक टीचर के लिए, मेरे लिए, अगर आप मेरी नज़र से देखोगे ना, तो मुझे इस क्लास को तैयार करने में 3 घंटे लगते हैं मेरे भाई। कम से कम 1 घंटा आपके लिए कंटेंट तैयार करने में, कौन सा सिनोनिम एंटोनिम आया एग्जाम में, कौन सा नहीं है, ये सब चीज़ें देखने में, और उसके अलावा 1 घंटा इसको रिकॉर्ड करने में लग जाता है, और क्लास आपके लिए 40 मिनट की होती है, क्योंकि बीच में मैं चीज़ें लिखता हूँ, क्योंकि आज का स्टूडेंट रुकता नहीं है कि सर कितना पढ़ा रहे हैं कितना नहीं पढ़ा रहे हैं। वो लिखने वाली चीज़ें मुझे एडिट करनी होती है वीडियो, बाद में आधा पौना घंटा मेरे को उसमें लग जाता है। मेरे लिए तो 3 घंटे का काम हो गया, आपके लिए महज 40 मिनट है। तो वो 40 मिनट आप मेरे को हक दें, ताकि मेरे को भी मज़ा, यार मेरा स्टूडेंट पढ़ रहा है, मुझे उस चीज़ का हक चाहिए ना, तभी तो मैं आपके लिए आगे कुछ कर पाऊँगा, तभी मैं आपके लिए आगे कुछ कर पाऊँगा। तो इसलिए प्लीज़ चीज़ों को ध्यान में रखें और क्लास को शेयर ज़रूर किया करें, ठीक है मेरे भाई। तो मेरे भाई, क्लास करते हैं आज की स्टार्ट, लेके माँ सरस्वती का नाम। तो हमारी क्या है, वोकैब क्लास नंबर 3, वोकैब क्लास नंबर 3 आज हमारी ये तीसरी क्लास है भाई वोकैब की, और ये वोकैब सेशन यूं ही चलते रहेंगे। तो मेरे भाई, आज का हमारा पहला वर्ड क्या है, पहला वर्ड है सुपरफ्लूअस। अब सुपरफ्लूअस का मीनिंग क्या होता है, मेन बात आती है अभी, सुपरफ्लूअस का मीनिंग क्या होता है। अगर सुपरफ्लूअस की बात करूँ तो इसकी पार्ट ऑफ स्पीच होती है मेरे भाई एडजेक्टिव। क्या होती है एडजेक्टिव, ये एज एन एडजेक्टिव यूज़ किया जाता है। इसका मीनिंग होता है अननेसेसरी और बींग और मोर देन एनफ या बियॉन्ड व्हाट इज नीडेड, भाई जितने की आपको ज़रूरत है उससे कहीं ज़्यादा। अब मान के चलो आपको भूख है 3 रोटियों की, आप खा रहे हैं 6 रोटियां, तो अब 3 क्या होगी, वो सुपरफ्लूअस हो गई, अननेसेसरी हो गई। इसीलिए कहते हैं कि कोई भी काम सुपरफ्लूअस नहीं होना चाहिए, कोई भी काम। ये इंग्लिश लैंग्वेज के हमारा एक टॉपिक भी होता है अंदर सुपरफ्लूअस का, जो मैं आपको हो सकता है करवा दूं, या पे डिपेंड है कि मैं कौन सा टॉपिक करवाता हूं, अगर आप साथ दोगे तो टॉपिक बहुत सारे होंगे, ठीक है। तो सुपरफ्लूअस का मीनिंग होता है अननेसेसरी, जिस चीज़ की कोई नीड ना हो लेकिन फिर भी वो वहाँ पर हो। बींग और मोर देन एनफ मतलब जरूरत है उससे भी कहीं ज़्यादा। इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, इसको हम एज एन एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। जब अरे तुम्हें एग्जांपल से समझाऊं क्या कैसे होता है। जैसे एक वर्ड आपने सुना है हिस्ट्री, एक वर्ड हो गया हिस्ट्री, और आप कई बार बोल देते हो पास्ट हिस्ट्री। भाई हिस्ट्री, हिस्ट्री क्या होता है, पास्ट की चीज़ें होती है, पास्ट की चीज़ों के बारे में बताया जाता है। तो पास्ट क्या हो गया, ये तो सुपरफ्लूअस हो गया ना, हिस्ट्री के अंदर पास्ट का मीनिंग अपने आप इंक्लूड है, इसीलिए क्या हो गया, ये सुपरफ्लूअस हो गया। आप बोलते हो रिकॉल बैक, अभी रिकॉल ही बोल दिया तो बैक का मीनिंग तो ऑटोमेटिक है, सुपोजिंग बोल दिया तो इफ बोलने की कोई नीड नहीं है। इसी तरीके से बता रहा हूँ कि ये चीज़ें सुपरफ्लूअस होती है, जिनकी नीड नहीं होती लेकिन फिर भी आप यूज़ कर लेते हैं, समझ गए। तो इसको एज एन एडजेक्टिव यूज़ करते हैं, जिसका मीनिंग होता है बियॉन्ड व्हाट इज नीडेड या बींग और मोर देन एनफ। भाई बात करते हैं इसके सिनोनिम्स की। सिनोनिम्स में पहला आ गया अननीडेड, मेरे साथ साथ बोलेंगे अननीडेड। दूसरा स्पेयर। तीसरा रिडंडेंट। नेक्स्ट एक्सेस। और अगला सरप्लस, मतलब जो चीज़ें सरप्लस हो जाएं, सरप्लस। ग्रेट्यूटस। नेक्स्ट है एम्पल, मेरे साथ साथ बोलेंगे एम्पल। सप्लीमेंटल। एक्सट्रेनियस। अबंडेंट। रिपीट करो मेरे भाई, अबंडेंट
अबंडेंट अबंडेंट, एक्सट्रेनियस एक्सट्रेनियस एक्सट्रेनियस, सप्लीमेंटल सप्लीमेंटल सप्लीमेंटल, एम्पल एम्पल एम्पल, ग्रेट्यूटस 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 ग्रेट्यूटस, सरप्लस सरप्लस सरप्लस, एक्सेस एक्सेस एक्सेस, रिडंडेंट रिडंडेंट रिडंडेंट, स्पेयर स्पेयर स्पेयर, अननीडिड अननीडिड, सुपरफ्लुअस सुपरफ्लुअस सुपरफ्लुअस। इस तरह जितना ज़्यादा इनको बोलोगे, जितना ज़्यादा आप सुनोगे, जितना ज़्यादा आप लिखोगे, जितना ज़्यादा आप टाइप करोगे, उतने ही ज़्यादा आपको वो केब याद होगी। तो वो केब याद करने का आसान सा तरीका होता है, चीज़ों को बोलो, चीज़ों को डेली लाइफ में यूज़ करो, और उसके अलावा जितना ज़्यादा लिख सकते हो, टाइप कर सकते हो, मेरे साथ साथ बोला करो, जितना ज़्यादा सुन सकते हो। अब बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। एंटोनिम्स पहला आ गया डेफिशिएंट। पहला क्या है? डेफिशिएंट डेफिशिएंट, एफिशिएंट होता है, एफिशिएंट के बाद क्या आता है? डेफिशिएंट, जिसमें कुछ कमी हो। इनएडिक्वेट 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 इनएडिक्वेट, स्कैंटी 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 स्कैंटी, निगार्डली 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 निगार्डली, स्पेर्स 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 स्पेर्स, स्केयर 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 स्केयर। अब बात करते हैं इसके एग्जांपल की। एग्जांपल क्या होगा? अवर न्यू लीडर प्लान्स टू एलिमिनेट सुपरफ्लुअस प्रोग्राम्स। अवर न्यू लीडर प्लान्स टू एलिमिनेट सुपरफ्लुअस प्लान्स प्रोग्राम्स। प्रोग्राम क्या होते हैं? प्रोग्राम नाउन होता है, और नाउन के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दे वो क्या होता है मेरे भाई? एडजेक्टिव। इसलिए मैंने इसकी पार्ट ऑफ स्पीच यहाँ पे क्या लिखी है? एडजेक्टिव लिखी है। इस तरह पार्ट ऑफ स्पीच पहचानना सीखो। जैसे अगर द आर्टिकल, आर्टिकल के बाद कुछ आ रहा है तो वो क्या होगा? नाउन होगा। इस तरह से जब तुम पार्ट ऑफ स्पीच सेंटेंस से पहचानोगे ना, पार्ट ऑफ स्पीच यहाँ से पहचानने से कुछ नहीं होता मेरे भाई। पार्ट ऑफ स्पीच कई बार एक वर्ड की चार चार हो जाती है, इसीलिए क्या कहते हैं कि चीज़ों को सेंटेंस से पहचानना चाहिए। कई बार चीज़ें एडजेक्टिव भी हो जाती है, एडवर्ब भी हो जाती है, वो नाउन भी, वो वर्ब भी, वो सब चीज़ों की तरह काम करता है। तो इस तरह पार्ट ऑफ स्पीच कैसे पहचानोगे? मैंने आपको बता दिया कि सेंटेंस से पार्ट ऑफ स्पीच पहचानो, क्योंकि जैसा जिसका काम वैसा उसका नाम। एक बार रिपीट हो जाए मेरे भाई। सुपरफ्लुअस सुपरफ्लुअस, अननीडिड स्पेयर, रिडंडेंट एक्सेस, सरप्लस अबंडेंट एक्सट्रेनियस, सप्लीमेंटल एम्पल ग्रेट्यूटस ग्रेट्यूटस, एंटोनिम डेफिशिएंट डेफिशिएंट, इनएडिक्वेट इनएडिक्वेट इनएडिक्वेट, स्कैंटी स्कैंटी, निगार्डली निगार्डली, स्पेयर्स स्पेयर्स स्पेयर्स, स्केयर स्केयर। तो आपको आई होप याद हो गया होगा। अब मैं एक मिनट के लिए साइड में हो रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट। हाँ मेरे भाई, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? नेक्स्ट वर्ड है एसेंड। 17 हो गए थे ना वहाँ पे, 18वां वर्ड हो गया है हमारा। नेक्स्ट वर्ड क्या है? एसेंड। एसेंड मतलब आपने मैथ्स में अगर मेरे ख्याल से 5th, 6th, 7th, 8th तक आ जाता है, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब मैथ्स में आपने ऐसी चीज़ें सुनी होगी, तो वो आप समझते हो ना, असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ता हुआ क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर, उतरता हुआ क्रम, या बढ़ता हुआ कदम, चढ़ता हुआ कदम, उतरता हुआ कदम, इस तरह चीज़ें आपने सुनी होगी। तो वही असेंड होता है। असेंड एक एज ए वर्ब यूज़ किया जाता है, जिसको कैसे यूज़ किया जाता है मेरे भाई? एज ए वर्ब यूज़ किया जाता है। असेंड को एज ए वर्ब यूज़ किया जाता है, जिसका मीनिंग होता है, मीनिंग होता है टू मूव अपवर्ड और क्लेम समथिंग। किसी चीज़ की चढ़ाई होना, किसी भी चीज़ की चढ़ाई होने से हम इसका मीनिंग ले लेते हैं, टू मूव अपवर्ड, मतलब कोई भी चीज़ की चढ़ाई हो, चाहे वो इंसान की हो रही हो, चाहे किसी भी चीज़ की, चाहे आप गाड़ी की चढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप नंबरों की चढ़ाई कर रहे हो, वो चीज़ें अलग हो जाती है, ठीक है ना। तो इसी तरह मीनिंग निकलता है इसकी, किसी चीज़ की चढ़ाई होना, ठीक है, तो टू मूव अपवर्ड और क्लेम समथिंग। अब बात करें इसके सिनोनिम्स की। तो सबसे पहला क्या होगा? अराइज अराइज, मेरे साथ साथ बोलो यार, अराइज 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 अराइज, एस्पायर 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 एस्पायर, माउंट माउंट, माउंटेन से रिलेट कर लिया जाता है। माउंटेन क्या होता है? ऊपर ही उठता है, ऊपर ही उठता है ना, वो भी तो चढ़ाई करता ही है। माउंट माउंट माउंट
माउंट, एलिवेट 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 एलिवेट, अप्रेज 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 अप्रेज, सरमाउंट 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 सरमाउंट, बोलते रहो यार, सरमाउंट 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 सरमाउंट, इनक्लाइन 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 इनक्लाइन, स्लैंट 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 स्लैंट, टिल्ट 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 टिल्ट, सर्ज 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 सर्ज, एक बार रिपीट हो जाए, सर्ज सर्ज सर्ज, टिल्ट टिल्ट टिल्ट, स्लैंट स्लैंट स्लैंट, इनक्लाइन इनक्लाइन इनक्लाइन, सरमाउंट सरमाउंट सरमाउंट, अप्रेज अप्रेज अप्रेज, एलिवेट एलिवेट एलिवेट, माउंट माउंट माउंट, एस्पायर 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 एस्पायर, अराइज अराइज अराइज, एसेंड एसेंड एसेंड। अब बात करते हैं मेरे भाई इसके एंटोनिम्स की। एंटोनिम्स की अगर मैं बात करूँ, डिक्लाइन 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 डिक्लाइन, डिसेंड 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 डिसेंड, प्लंज 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 प्लंज, प्लमेट 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 प्लमेट, और स्लाइड 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 स्लाइड, रिपीट रिपीट हो जाए, स्लाइड 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 स्लाइड, प्लमेट प्लमेट प्लमेट, प्लंज प्लंज प्लंज, डिसेंड डिसेंड डिसेंड, डिक्लाइन डिक्लाइन डिक्लाइन। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल क्या होगा, द स्लोली असेंडेड द स्टीप पाथ अप माउंटेन अप द माउंटेन, द स्लोली असेंडेड द स्टीप पाथ अप द माउंटेन। तो ये हमारा इसका क्या, उफ असेंडेड क्या हो गया, वर्ब हो गई वर्ब हो गई, ठीक है मेरे भाई। तो अब बात करते हैं, एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं यार, बात क्या करनी, वर्ड क्या है, असेंड असेंड। सिनोनिम्स क्या होंगे, अराइज अराइज, एस्पायर एस्पायर, माउंट माउंट, एलिवेट एलिवेट एलिवेट, अप्रेज अप्रेज, सरमाउंट सरमाउंट, सर्ज सर्ज, टिल्ट टिल्ट, स्लैंट स्लैंट, इंक्लाइन इंक्लाइन। अब बात कर लेते हैं एंटोनिम्स की, डिक्लाइन डिक्लाइन, डिसेंड डिसेंड, प्लंज प्लंज, प्लमिट प्लमिट प्लमिट, और स्लाइड स्लाइड स्लाइड। इस तरह से तुम क्या रखोगे, एसेंड वर्ड को याद रखोगे। अब जल्दी से इसका क्या, हाँ जी, हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड है बेनाइन बेनाइन। क्या है बेनाइन, कितने हो गए थे, 33 हुए थे क्या, चलो मेरे ख्याल से 33 हुए थे ना। नेक्स्ट है बेनाइन। बेनाइन को हम एज एन एडजेक्टिव यूज करते हैं। कैसे यूज करोगे मेरे बच्चे, एज एन एडजेक्टिव यूज करोगे। अगर बेनाइन को एज एन एडजेक्टिव यूज करोगे तो इसका मीनिंग क्या हो गया, जेंटल एंड काइंड, मतलब जो इंसान दयालु हो, जो इंसान दयालु हो, दूसरों के बारे में सोचता हो, नॉट हार्मफुल इन इफेक्ट, मतलब जिससे हमें कोई नुकसान ना हो, जिससे हमें कोई नुकसान ना हो, जो इंसान जेंटल हो, दयालु हो, काइंड हो, अल्ट्रिस्टिक हो, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बेनाइन बोलते हैं। अब याद कैसे रखोगे, बेनिफिशियल बेनिफिट, इसी तरह बेनी बेनी पॉजिटिव रूट वर्ड होता है मेरे भाई, बेनी पॉजिटिव रूट वर्ड होता है। तो बेनाइन क्या हो गया,
जेंटल एंड काइंड नॉट हार्मफुल इन इफेक्ट, मतलब जो इंसान जेंटल हो, दयालु हो, या मैं बोल सकता हूँ सौभ्य हो, हिंदी में बोल सकता हूँ सौभ्य, हिंदी लिखूँ क्या आपके लिए? चलो आप कहते हो तो लिख देता हूँ, ऐसे ही लिखी जाएगी ना, सौभ्य की, जो सौभ्य हो, दयालु हो, जो दूसरों के वेलफेयर के लिए काम करता हो, जो किसी के लिए हार्मफुल ना हो, जो किसी के लिए हार्मफुल ना हो, उसको हम बोलते हैं बेनाइन, जिसका मीनिंग आपको पता लग गया। बात करते हैं इसके सिनोनिम्स की। सिनोनिम्स में पहला आ जाता है हमारा इनोसेंट। क्या बोलोगे? इनोसेंट, बोलो मेरे साथ साथ, इनोसेंट, 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 इनोक्यूस, 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 इनऑफेंसिव, 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 सलूब्रियस, 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 बेनिग्नेंट, 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 साथ साथ बोलते रहो, बेनिग्नेंट, 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 ग्रेसियस, 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 नो लिथल, 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 नॉन टॉक्सिक, नॉन टॉक्सिक, नॉन टॉक्सिक, ये टॉक्सिक वर्ड हमने कल किया था ना, लिथल टॉक्सिक, मीनिंग पता है इसका क्या होता है? जहरीला, जहरीला, कल हमने ये वर्ड किया था मेरे भाई, अगर किसी को नहीं याद तो भाई याद करने लग जाओ फिर, अगर किसी को नहीं याद ना ये वर्ड तो याद, देख विरुलेंट हमने वर्ड किया था ना, विरुलेंट, जो लोगों के लिए जहरीला हो, विरुलेंट वर्ड किया था, जिसमें आया था ना इसका मीनिंग, जिसमें टॉक्सिक, वेनोमस, नॉक्सियस, इस तरह के वर्ड किए थे, याद होगा? टॉक्सिक, विरुलेंट, तो याद रखा करो ना, याद रहने चाहिए तुम्हारे कल के वर्ड, तुम्हें याद नहीं है, बात करते हो। उसके बाद एक बार रिपीट कर लेते हैं ना, नॉन टॉक्सिक, बोलो नॉन टॉक्सिक, नॉन टॉक्सिक, नॉन टॉक्सिक, नो लिथल, नो लिथल, नो लिथल, नो लिथल, नो लिथल, ग्रेसियस, 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 बेनिग्नेंट, 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 सलूब्रियस, 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 इनऑफेंसिव, 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 इनोक्यूस, 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 इनोसेंट, 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 और बेनाइन, बेनाइन, बेनाइन। अब बात करते हैं मेरे बच्चे इसके एंटोनिम्स की, अब बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। एडवर्स, 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 यार बोलो यार मजा नहीं आ रहा, एडवर्स, 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 बेलफुल, 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 बैनफुल, 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 डेलिटेरियस, 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 नोक्यूस, 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 परनीशियस, 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 प्रीजुडिशियल, 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 एक बार रिपीट हो जाए, प्रीजुडिशियल, 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 डिलिटेरियस, 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 बैनफुल, 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 बेलफुल, 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 बेलफुल,
बेलफुल, एडवर्स 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 एडवर्स, नोक्यूअस 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 नोक्यूअस, परनीशियस 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 परनीशियस। बात करें इसके एग्जांपल की तो एग्जांपल क्या होगा, ही वाज लव्ड बिकॉज ऑफ बेनाइन एटीट्यूड टुवर्ड्स द पुअर, वो प्यार किया जाता वो प्यार किया जाता, उसको प्यार किया जाता था, लोग उसको प्यार करते थे, क्यों, उसका लोगों के लिए प्रति जो दयालु एटीट्यूड था, गरीबों के प्रति जो दयालु एटीट्यूड था। एक होता है मेरे भाई पुअर्स, पुअर्स और द पुअर सेम मीनिंग देते हैं, द पुअर क्या, पुअर्स हो गए बहुत सारे गरीब लोग, और द पुअर क्या हो गया, गरीब लोगों की कम्युनिटी याद रखोगे, ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें सास्ते तो लोग, ये वो के भी है, समझ गए ना, रिपीट कर लें एक बारी, वर्ड क्या है हमारा, बेनाइन, मीनिंग क्या होता है, जेंटल एंड काइंड, नॉट हार्मफुल इन इफेक्ट। सिनोनिम्स क्या हो गए, इनोसेंट इनोक्यूअस इनोफेंसिव सलुब्रियस सलुब्रियस नॉन टॉक्सिक नो लिथल ग्रेसियस बेनिग्नेंट एडवर्स। एंटोनिम की बात कर लेते हैं, एडवर्स बेलफुल बैनफुल डिलिटेरियस प्रीजुडिशियल परनीशियस और नोक्यूअस। करो इनको कॉपी। हाँ जी, नेक्स्ट वर्ड करें, नहीं हो गए तो 49। नेक्स्ट वर्ड है हमारा विलीफाई, जो 50th वर्ड है, विलीफाई क्या है, विलीफाई जो एज ए वर्ब यूज किया जाता है, विलीफाई को कैसे यूज करोगे मेरे भाई, एज ए वर्ब यूज करोगे। नेक्स्ट वर्ड क्या है विलीफाई, रे बोलो, गुटका थूको यार, फिर तो बोलो जुबान केसरी, इस तरह बोलते हैं ना, हाँ बोलो विलीफाई जो कैसे यूज किया जाता है, जो एज ए वर्ब यूज किया जाता है, जिसके मतलब होता है टू डिफेम, टू से और राइट अनप्लीजेंट थिंग्स अबाउट समथिंग और समवन, मतलब किसी के बारे में या किसी चीज़ के बारे में, किसी पर्सन के बारे में अनप्लीजेंट बातें, या उसको डिफेम करना, उसको मानहानि करना, मानहानि बोल देते हैं ना हिंदी में, मानहानि ऐसे ही कुछ लिखा जाता है मेरे ख्याल से, और एक और हिंदी वर्ड होता है इसका, एक मिनट बोलते हैं यार, तिरस्कार करना है ना, तिरस्कार करना, अपमान करना, अपमान मीनिंग हो गया ना इसका, अपमान करना, इस तरह के मीनिंग में यूज होता है ना, टू डिफेम, फेम का उल्टा क्या हो गया, डिफेम। विलीफाई एक वर्ब होती है जिसका मीनिंग होता है टू डिफेम, टू से और राइट अनप्लीजेंट थिंग्स अबाउट समवन और समथिंग, मतलब किसी के बारे में जब आप अनप्लीजेंट थिंग्स या कुछ ऐसी बातें कहते हैं जिससे उसका तिरस्कार होता है, जिससे उसे अपमान होता है, जिससे उसकी मानहानि होती है, उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है मेरे भाई विलीफाई। क्या यूज किया जाता है, विलीफाई। अब बात करते हैं इसके सिनोनिम्स की। सिनोनिम्स में सबसे पहले क्या, डिस्पर्ज डिफेम बैलिटल रिवाइल साथ बोलते रहो, रिवाइल डेनिग्रेट स्लेंडर क्लूमिनेट मेलाइन बोलते रहो, मेलाइन एस्पर्स
एस्पर्स एस्पर्स, रिपीट करो। अबे तू बोल, हाँ तुझे बोल रहा हूँ, तुझे बोल रहा हूँ, तू बोल क्यों नहीं रहा, खड़ा होकर बोल, बोल दोबारा। स्लेंडर स्लेंडर स्लेंडर, क्लूमिनिएट क्लूमिनिएट क्लूमिनिएट, बोल क्लूमिनिएट क्लूमिनिएट क्लूमिनिएट। मेलाइन मेलाइन मेलाइन, एस्पर्स एस्पर्स एस्पर्स। डेनिग्रेट डेनिग्रेट डेनिग्रेट। रिवाइल रिवाइल रिवाइल। बैलिटल बैलिटल बैलिटल। डिफेम 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 डिफेम। डिस्पर्स 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 डिस्पर्स। विलीफाई 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 विलीफाई। हाँ बोलते रहो यार, तभी मजा आएगा ना, तभी तो मुझे भी याद होगी। ऐसे तुम क्या घर बैठे वैसे ही याद कर लोगे। एंटोनिम एंटोनिम्स, अब बात करते हैं एंटोनिम्स की। एग्जाल्ट मतलब किसी की प्रशंसा करना, एडमायर करना, प्रेज करना, लोड करना, अपलोड करना, इस तरह के मीनिंग तुम देखते हो ना। एग्जाल्ट एग्जाल्ट एग्जाल्ट। ग्लोरीफाई 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 ग्लोरीफाई। एक्लेम 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 एक्लेम। अपलोड 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 अपलोड। रिस्पेक्ट 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 रिस्पेक्ट। रिगार्ड 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 रिगार्ड। एडमायर 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 एडमायर। एस्टीम 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 एस्टीम। करो रिपीट एंटोनिम्स को। एग्जाल्ट एग्जाल्ट एग्जाल्ट। ग्लोरीफाई ग्लोरीफाई ग्लोरीफाई। एक मिनट में बैठ जाता हूँ थोड़ा सा, आप बोलते रहो। क्या है? एग्जाल्ट एग्जाल्ट एग्जाल्ट। ग्लोरीफाई ग्लोरीफाई ग्लोरीफाई। एक्लेम एक्लेम एक्लेम। अपलोड 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 अपलोड। एस्टीम 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 एस्टीम। एडमायर 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 एडमायर। रिगार्ड रिगार्ड रिगार्ड। रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट। बात कर लेते हैं इसके एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल क्या है? ही वॉज वेलीफाइड बाय द प्रेस एज ए मॉन्स्टर। भी मॉन्स्टर के आगे किस तरह उसका डिफेम किया गया, उसके लिए तिरस्कार किया गया, मॉन्स्टर के रूप में इसका मॉन्स्टर के रूप में उसका तिरस्कार किया गया, अपमान किया गया। तो एक बार रिपीट हो जाए, वर्ड क्या है? विलीफाई। जो कैसे यूज किया जाता है? ए जवाब, जिसका मीनिंग क्या होता है? टू डिफेम टू से और राइट अनप्लीजिंग थिंग्स अबाउट समवन और समथिंग। सिनोनिम्स क्या हो गए? डिस्पार्ज डिफेम बैलिटल रिवाइल डेनिग्रेट स्लेंडर क्लूमिनिएट क्लूमिनिएट मेलाइन मेलाइन एस्पर्स। बात करें एंटोनिम्स की तो क्या आ जाते हैं? एग्जाल्ट ग्लोरीफाई एक्लेम अपलोड रिस्पेक्ट रिगार्ड एडमायर और एस्टीम। और क्या आ गया? एस्टीम। तो मेरे भाई ये हमारा हो गया विलीफाई। और वर्ड कितने हो गए? 67 वर्ड हो गए अब तक हमारे ना, 67। मैं इधर नोट कर देता हूँ, खुद भूल जाता हूँ यार। करो इसको डन। हाँ जी करें। नेक्स्ट वर्ड है फेरोसिटी। फेरोसिटी जो एज ए नाउन यूज किया जाता है, तो कैसे यूज करोगे? जो एज ए नाउन यूज करोगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फेरोसिटी, जो एज ए नाउन यूज किया जाता है, जिसका मीनिंग होता है द स्टेट ऑफ बींग फ्राइटनिंग एंड वायलेंट। मतलब यार जब कोई भी बंदा क्रूरता दिखाए, क्रूरता दिखाए मतलब एक डरावना हो, डरावना लोगों को डरा के रखे, वायलेंट कर दो, वायलेंस हो, ठीक है ना, उस टाइम में फेरोसिटी वर्ड यूज किया जाता है। द स्टेट ऑफ बींग फ्राइटनिंग एंड वायलेंट, जैसे कि तानाशाही लगा लो, तानाशाही में इसी में आ जाती है, ठीक है ना, तानाशाही वगैरह हो गई।
बात करें फेरोसिटी एक बार, इसको 68 नंबर वर्ड है हमारा ये, 68 नंबर है ना, फेरोसिटी जो एज ए नाउन यूज किया जाता है और जिसका मीनिंग होता है द स्टेट ऑफ बिंग फ्राइटनिंग एंड वायलेंट, मतलब क्रूरता, क्रूरता से रिलेट कर लिया जाता है इसको। बात करें इसके सिनोनिम्स की, तो सिनोनिम्स क्या होंगे, सेवज्री, सेवज्री बोलते रहो, सेवज्री सेवज्री सेवज्री, वायलेंस 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 वायलेंस, एट्रोसिटी 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 एट्रोसिटी, क्रुएल्टी 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 क्रुएल्टी, विशियसनेस 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 विशियसनेस, ट्रुकुलेंस 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 ट्रुकुलेंस, पिटीलेसनेस 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 pitilessness 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 pitilessness, malevolence 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 malevolence, ये हो गए इसके सिनोनिम्स, एक बार रिपीट हो जाए मेरे भाई, malevolence 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 malevolence, pitilessness 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 pitilessness, truculence 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 truculence, viciousness 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 viciousness, cruelty cruelty cruelty, atrocity 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 atrocity, violence 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 violence, सेवज्री 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 सेवज्री, फेरोसिटी 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 फेरोसिटी। अब बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की, एंटोनिम्स क्या हो जाए, क्लीमेंसी क्लीमेंसी बोलते रहो, क्लीमेंसी 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 क्लीमेंसी, लेनियंसी 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 leniency 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 leniency, benignity 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 benignity, humanity 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 humanity, sympathy 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 सिंपैथी, रिपीट, क्लीमेंसी 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 क्लीमेंसी, लेनियंसी 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 लेनियंसी, बेनिग्निटी 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 बेनिग्निटी, ह्यूमैनिटी ह्यूमैनिटी ह्यूमैनिटी, सिंपैथी सिंपैथी सिंपैथी। इसका एग्जांपल क्या हो गया, द फेरोसिटी ऑफ द अटैक शॉक्ड एट ए लॉट ऑफ पीपल, द सॉफ्ट ए लॉट ऑफ पीपल। तो दा क्या हो गया, दा हो गया हमारा आर्टिकल, आर्टिकल के बाद क्या आ गया, नाउन आ गया, इसलिए यहाँ पे हमने इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या लिखी है, नाउन लिखी है। एक बार रिपीट, वर्ड क्या है, फेरोसिटी, वर्ड क्या है, फेरोसिटी, मीनिंग क्या होता है, द स्टेट ऑफ बींग फ्राइटनिंग एंड वायलेंट। क्या बात करते हैं सिनोनिम्स की, सेवेजरी सेवेजरी, वायलेंस वायलेंस, एट्रोसिटी एट्रोसिटी, क्रुएल्टी क्रुएल्टी क्रुएल्टी, विशियसनेस viciousness 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 viciousness, हाँ ज़्यादा ज़्यादा बोलो ना, truculence 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 truculence, pitilessness pitilessness pitilessness, malevolence malevolence malevolence, humanity हाँ सॉरी एंटोनिम की बात कर लेते हैं, humanity humanity, benignity benignity, leniency leniency leniency, clemency clemency clemency, sympathy 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 sympathy। तो समझ गए भाई मेरे भाई ferocity का मीनिंग। तो मेरे बच्चे आज की थी एक क्लास हमारी, थर्ड जो कंप्लीट हो चुकी है, कल मिलेंगे फोर्थ क्लास में। और हाँ मेरे भाई एक बात और,
चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाओ यार, ये तुम्हारे तो होगा ना। तुम अच्छे दोस्तों के साथ शेयर करो, और जब तुम अच्छे दोस्तों के साथ शेयर करोगे तभी लोग सब्सक्राइब करेंगे और तभी लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे। तो इंस्टाग्राम पे तो फॉलो ज़रूर कीजिएगा भाई, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो। और आपको आईडी पता ही है क्या होगी, मैं लिख देता हूँ, ये हमारी आईडी है। बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, फॉलो करें। यहाँ पे आपको बहुत कुछ मिलता है भाई, यहाँ पे आपको मोटिवेशन मिलेगा, यहाँ पे आपको वोकैब मिलेगी, यहाँ पे आपको स्पोकन मिलेगा, यहाँ पे क्विज कराए जाते हैं, और यहाँ पे बहुत कुछ मिलता है। तो यहाँ पे ज़रूर से ज़रूर क्या करें, फॉलो करें। क्या करोगे आप, फॉलो करोगे। और फेसबुक पर भी फॉलो करो, फेसबुक पे भी आप फॉलो करो, ट्विटर पे भी, लिंक्डइन पे भी, और बड़ा बिजनेस पे, मतलब हर जगह मैं वो कैब डालता ही रहता हूँ। ये जो चीज़ होती है हर जगह डलती रहती है। और यूट्यूब को ज़रूर से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मेरे भाई, ठीक है ना। तो आज के हमारे वर्ड हो चुके हैं, और आज हमने 81 वर्ड कर लिए, कल हमने 80 किए थे। इस तरह से हम वर्ड्स करते जाएंगे, वर्ड्स बढ़ाते जाएंगे और अपना काम करते जाएंगे। सो मिलते हैं मेरे भाई कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू। पढ़ते रहिए, आबाद रहें। थैंक यू माय दोस्त।